माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण पार्ट दो। इस बार का टॉपिक है वर्ण, मतलब अल्फाबेट्स। आपने इंग्लिश अल्फाबेट्स पढ़े हैं ना, ए टू जेड, ऐसे ही हिंदी में भी वर्ण अल्फाबेट्स होते हैं। चलिए ओपन योर बुक एंड इसमें देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। इसमें कुछ पिक्चर्स दी हुई है ना, कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनके नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, पढ़िए उनको क्या लिखा हुआ है। गाजर, सितार और सेब। आपको पता है गाजर वैसे तो तीन वर्ण से, मतलब तीन अल्फाबेट से, हिंदी अल्फाबेट से मिलके बना है, गा, जा और रा। बट इसमें भी हर एक अल्फाबेट के साथ एक स्वर जुड़ा हुआ है, जैसे ग। इसमें नीचे ये हल देख रहे हो, हल लगा हुआ है, इसको हलंत बोलते हैं। इसका मतलब होता है वो वर्ड, वो अल्फाबेट हाफ मतलब आधा है, अधूरा है, बिना स्वर के कोई भी वर्ड अधूरा होता है। तो ग, आ, ज, आ, र, अ, गाजर, सितार, स, ई, सी, त, आ, ता, र, अ, र, सितार, ऐसे ही स, ए, से, ब, अ, ब, सेब, ऐसे मिलके पूरा शब्द बन जाता है। आपको याद है आपने पहले चैप्टर भाषा जो हमारा टॉपिक था उसमें पढ़ा था, ध्वनियों से शब्द बने और शब्दों से भाषा बनी। तो इसमें पढ़े, इसमें भी हम क्या देखेंगे, शब्द कैसे बने, ध्वनि मतलब वर्ण, ध्वनि। इसमें क्या लिखा है, गाजर, सितार और सेब, शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं, इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि से शब्द बनते हैं ना, तो यही ध्वनि जो होती है इनको वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर ही किसी एक भाषा का जन्म होता है। फिर बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण मतलब अक्षर जो होते हैं, उससे ही फिर शब्द बनाते हैं, शब्दों से सेंटेंसेस बनते हैं, मतलब एक वाक्य बनता है, वाक्यों से कोई भी कहानी, कोई बहुत बड़ा चैप्टर पूरा होता है। फिर हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन्हें लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में बताया था भाषा ध्वनियों से बनती है ना, ध्वनियों से शब्द बनते हैं, शब्दों से भाषा बनती है, तो उन्हें लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में आपने देखा होगा ना, ए बी सी डी ऐसे जेड तक होता है, इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश के वर्ण होते हैं, वो उनसे ही तो हम वर्ड्स बनाते हैं ना, कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस बनाना हो उन्हीं से तो बनता है। ऐसे ही हिंदी में ये वर्ण होते हैं, इन्हीं वर्णों से शब्द बनते हैं, उन शब्दों से पूरा वाक्य बनता है, वाक्य मतलब सेंटेंस बनता है। यही वर्णों की लड़ी, वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। यही वर्णों की लड़ी मतलब एक एक जब हम वर्ण को जोड़ देते हैं तो ये वर्णों की माला मतलब बहुत सारे, जैसे एक एक मोती हम जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी माला बन जाती है ना, ऐसे ही एक एक वर्ण जोड़ते हैं तो वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला बन जाती है, जिसको हिंदी अल्फाबेट, हिंदी वर्णमाला कहते हैं। अभी क्या, हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में भी आपने सुना होगा ना, अल्फाबेट्स टू टाइप्स के होते हैं, वॉवल एंड कंसोनेंट्स। ऐसे ही हिंदी में स्वर एंड व्यंजन होते हैं, जो वॉवल्स होते हैं उनको स्वर कहते हैं और व्यंजन कंसोनेंट्स। ओके, नाउ अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्वर। आपको पता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11, वेरी गुड, 11 वर्ण होते हैं। स्टार्ट करते हैं, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रा से ऋषि, ए, ए, ओ, औ, ये 11 क्या हो गए, वर्ण स्वर। बट इसमें अंग और अह इनको भी हम स्वरों में जोड़ते हैं, बट लिखने की जब हम लिखते हैं तब हम इनका प्रयोग करते हैं। अंग क्या हुआ, आ स्वर है, उसमें ही अंग की बिंदी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वर, मतलब इसका प्रयोग पंचम वर्ण, जैसे चा के पहले जो ना आता है ना, वो टा के पहले ना आता है वो, और ता के पहले भी जो ना आता है वो सब अंग की बिंदी के साथ हम प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसको स्वर में नहीं रखते, स्वर सिर्फ 11 होते हैं, इसको अंग की बिंदी बोलते हैं, ऊपर लगाते हैं ना, आधा ना
कि जैसे भी हम इसको यूज़ करते हैं। फिर लास्ट क्या है, अह। अह शब्द क्या है, इसको आ के साथ दो पीछे डॉट्स जोड़े हुए हैं ना, तो आ तो एक स्वर आ गया है, आ के साथ इसको जोड़े तो इसको हम बोलते हैं विसर्ग। इसका प्रयोग हलंत ऐसे ह के समान आधा हा होता है ना, वैसे होता है। इसका चिन्ह टू पॉइंट्स, दो डॉट होते हैं आ के पीछे, या किसी भी वर्ड के पीछे हम लगा सकते हैं। जैसे प्रातः, एक वर्ड सुना है, ता में दो बिंदी लगा देते हैं तो अह का साउंड आता है ना, तो ये अह हो गया। ये हो गए हमारे स्वर, मतलब वॉवल्स, वॉयल्स। फिर नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन क्या है, क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ न ता था द ध न पा फ ब भ म या रा ल व श शा शा हा छ त्र ज्ञा फिर श्रा फिर ळा और ढा। ये कितने हो गए पूरे व्यंजन्स। वैसे व्यंजन्स कितने होते हैं हमारे, 33, पर यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन जो छ त्र ज्ञा और श्रा है, इनको संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजन से मिलके बने होते हैं, और ये ळा और ढा अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। मेन व्यंजन कितने होते हैं, जो क से ह तक दिए गए। अभी क्या है, स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। आपने एक चीज़ ध्यान दी है, ये व्यंजन्स जो है इनके सबके नीचे एक छोटा सा निशान लगा हुआ है, क के नीचे एक डॉट, थोड़ा सा हल है, हलंत बोलते हैं जिसको, ख के नीचे सबके वर्ड्स के नीचे है, इसको हम हलंत बोलते हैं। जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, मतलब स्वर के बिना किया जाता है, तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, यह रेखा हल कहलाती है। हलयुक्त व्यंजन हलंत वर्ड कहलाता है। जैसे एक वर्ड है सतत, तो ता वर्ड जो लास्ट में आएगा उसके नीचे हलंत, क्योंकि वो आधा वर्ड है। ठीक है, अगर लास्ट में कोई आधा वर्ड आता है तो उसको आधा नहीं लिखते, उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, तो वो वर्ड हम आधा मान के चलते हैं, मतलब हाफ वर्ड हो जाता है। अभी ये सारे व्यंजन हाफ दिए, अभी इनके साथ अगर हम कोई भी स्वर जोड़ देंगे तो ये वर्ड, ये व्यंजन पूरा हो जाएगा। क आधा है, इसमें अगर आ जोड़ देंगे तो पूरा का हो जाएगा, बड़ा आ जोड़ेंगे तो बड़ा का हो जाएगा। ये सभी व्यंजन स्वर के प्रयोग के साथ ही पूर्ण होते हैं, नहीं तो इसमें हलंत लगा होता है, और ये हलंत के साथ अपूर्ण व्यंजन, मतलब आधा वर्ण होता है। अभी आपको पता है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, मतलब अक्षर कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह पता है आपको, मतलब अरेंज, मतलब सीक्वेंस वाइज, एक क्रम में अगर हम वर्णों को लिखते हैं तो उसको वर्णमाला कहते हैं, हिंदी वर्णमाला होती है। उच्चारण मतलब प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन राइटिंग के अकॉर्डिंग, इसमें लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं, जिसमें 13 स्वर तथा 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। आपने लिपि याद है, भाषा में पढ़ा था, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में। वेरी गुड, आप लोग को याद है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जैसे इंग्लिश की इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना A to Z, ऐसे ही हिंदी की हिंदी वर्णमाला होती है। और हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 2 अतिरिक्त स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 39 व्यंजन और 13 स्वर। तो वैसे हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, लेकिन राइटिंग के अकॉर्डिंग, लिखने लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अभी चलो देखते हैं स्वर। स्वर बिना किसी की सहायता के, बिना किसी के हेल्प के बोले जाते हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, बट व्यंजन अपूर्ण, मतलब अधूरा होता है, उसको स्वर की आवश्यकता पड़ती है।
स्वरों की संख्या 11 होती है, स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसे आपने देखा था ना, स्वर थे आ से औ तक, तो इनकी मात्राएं होती है। जैसे छोटा आ में कोई मात्रा नहीं होती, आ बड़ा जो होता है उसमें एक सीधा लाइन डंडा खींचते हैं। छोटी की छोटी मात्रा होती, बड़ी की बड़ी मात्रा, छोटा ऊ की ऐसे ऊ की मात्रा लगाते हैं ना, बड़ा ऊ में बड़ा ऊ की मात्रा, तो इनकी सबकी मात्राएं होती हैं। राशि ऋषि की भी मात्रा होती है ना, किसी भी वर्ड के नीचे, किसी भी वर्ण के नीचे एक छोटी सी मात्रा, छोटा सा रा लगा देते हैं। ए की एक मात्रा होती है ऊपर, ए की दो मात्राएं होती है, ओ का एक डंडा और एक मात्रा होती है, औ की एक डंडा और दो मात्राएं होती हैं, अंक की तो बिंदी होती है, आ के पीछे दो बिंदी होती हैं, तो ये स्वर की मात्राएं कहलाती हैं। अंग और आह को स्वर के साथ लिखा जाता है, परंतु ये ना स्वर हैं और ना व्यंजन है। मैंने बताया था ये अतिरिक्त स्वर होते हैं, ये तो ना तो स्वर में जोड़ते हैं ना व्यंजन में। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और आह को विसर्ग बोलते हैं। अंग का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में होता है, जैसे अंगूर, संसार, किसी भी वर्ण के ऊपर अंग की बिंदी लगा देते हैं। और आह का किसी भी व्यंजन के बाद लगा हो तो इसका उच्चारण अह होता है, इसे विसर्ग भी कहते हैं, जैसे प्रातः, अतः। देखा ना, इसमें ता में पीछे दो बिंदी लगी हुई है, तो ये विसर्ग कहलाती है। व्यंजन, अभी हमने क्या पढ़ा? स्वर मतलब वॉवल्स, अभी क्या पढ़ेंगे? व्यंजन, कंसोनेंट्स। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनकी संख्या 33 मतलब 33 होती है। व्यंजन अभी इसमें आपने देखा था अधूरे होते हैं अपने आप में, इनको जब स्वर से ऐड करेंगे, इसके साथ स्वर को जोड़ेंगे तभी ये पूर्ण हो जाएगा। इसको बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोला जा सकता और ना ही लिखा जा सकता। यह दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ना, व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिसको हलंत कहते हैं। जिस व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा हलंत नहीं होती है तो समझ लेना चाहिए इसमें कोई स्वर जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यंजन के नीचे एक हलंत नहीं लगा है तो मतलब वो व्यंजन पूर्ण है। और पूर्ण कैसे हुआ, पूरा कैसे हुआ? किसी स्वर के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हलंत लगा है तो उसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए, कुछ उदाहरण दिए, इनको देखिए। क, ये क के नीचे हलंत है तो ये आधा क हो जाएगा। प्लस अ, इसमें आ एक स्वर जोड़ देंगे तो पूरा क हो जाएगा। क में छोटी ई जोड़ देंगे तो की हो जाएगा, क आधा है। इसमें बड़ा ऊ जोड़ देंगे तो बड़ा ऊ की मात्रा कू, ऐसे हो जाएगा, तो ये पूरा वर्ण हो जाएगा। क में रा ऋषि जोड़ेंगे तो क्र, का के नीचे रा लगा है ना, इसकी र की मात्रा लगी है। ये मैंने बताया था ना, हर एक स्वर की उनकी मात्राएं होती है, तो इसमें एक ये स्वर की मात्राएं लगी हुई हैं। क में ए, ए की मात्रा लगा देंगे तो के हो जाएगा। क में ओ, ओ स्वर जोड़ देंगे और ओ की मात्रा लगा देंगे तो को हो जाएगा, तो ये व्यंजन पूर्ण हो जाएंगे। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर की मात्राएं बताई थी ना, स्वर की जो मात्राएं जो चिन्ह होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये संयुक्त अक्षर हैं, ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। मैंने बताया था ना, ये संयुक्त व्यंजन क्यों होते हैं, क्योंकि दो व्यंजन को मिला के बनाते हैं। तो अभी देखते हैं किस व्यंजन में कौन, किस संयुक्त व्यंजन में कौन सा व्यंजन मिले हुए हैं। छ, इसमें क आधा क और शा जोड़ के लिखते हैं, क्षमा। त्र, त और रा से मिलकर त्र बनता है, आधा त और र त्र बनता है। ज्ञा, ज और ना मिला के ज्ञा बनता है, तो उसको क्या होता है, ज्ञानी। श्र, जो श्रावण होता है, श्री श्रीमान श्रीमती लिखते हैं ना वर्ड, तो वो शा, शीटी वाला जो शा होता है वो और र को मिलाकर श्र बनता है, उसको कैसे बोलते हैं, श्रम लिखा है। फिर लास्ट में हिंदी शब्दों के ऊपर हमेशा एक रेखा लगाई जाती है, इसे शिरो रेखा कहते हैं, अर्थात सिर पर रेखा। आपको याद है जब हम गुजराती लिखते हैं तो उसमें कोई भी ऊपर लाइन नहीं खींचते हैं, सिर्फ वर्ण लिखते हैं, उस पर कोई ऊपर रेखा नहीं लगाते। बट हिंदी एक शब्द को पूरा करने के बाद ऊपर एक पूरी लाइन खींच दी जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, शिरो रेखा, अर्थात सिर पर रेखा। ये हमने पूरा पढ़ा क्या, वर्ण मतलब अल्फा वेट्स।
अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, हमें इसमें क्या क्या सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन दो प्रकार के। स्वर 11 तथा व्यंजनों की संख्या 33 मतलब 33 है। स्वरों की मात्राएं होती है, स्वर की मात्राएं देखी थी ना, स्वरों की मात्राएं होती हैं। अभी हम करेंगे इसका अभ्यास। आपको पता है अभ्यास हमेशा की तरह बुक में ही करना है और हम आपको जो होमवर्क देंगे उसको नोटबुक में लिखना है। अभी एक आपको ये अभ्यास करना है, फिर इसके बाद आंसर की दी जाएगी लास्ट में, उससे आपको इसको मैच करना है कि आपने कितना सीखा। सोचिए और बताइए मौखिक। भाषा के दो रूप थे ना, मौखिक और लिखित। वेरी गुड। तो मौखिक मतलब बोलकर, सिर्फ हमको बोलकर आंसर देना है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है बताओ बताओ? व्यंजनों की संख्या 33 मतलब 33 होती है। संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? बताए थे ना, चार होते हैं संयुक्त अक्षर जो दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हमने मौखिक दिए थे, अब हमको लिखित उत्तर देना है मतलब लिखकर। पहला का नंबर में क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? आंसर है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। खा नंबर में क्या है? मात्रा किसे कहते हैं? आंसर है उत्तर व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। जैसे ई की मात्रा अगर का में लगाएंगे तो की, बड़ी की मात्रा अगर का में लगाएंगे तो की। तो जो स्वर की मात्राएं होती है, जैसे छोटी की छोटी मात्रा होती है ना, ओ की मात्रा ओ होती है, तो ये मात्रा कहलाती हैं। अब इसमें थर्ड नंबर में देखिए, रूबी ने सारे स्वरों को गलत क्रम में लिख दिया है, आप उन्हें सही क्रम में लगाना चाहती हैं उसकी मदद कीजिए। इसमें जो नीचे स्पेस दिया है आप इनको अरेंज करके स्वर को लिखना है। आपने पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, ये मैं नहीं बताऊंगी, इसको आपको देखकर ही अपने आप करना है। इसमें से सही सीक्वेंस मतलब क्रम वाइज ढूंढना है और लिखना है। दिए गए व्यंजनों को क्रम से पूरा कीजिए। आपने व्यंजन पढ़े थे ना अभी, तो आपको इनको देखना है। का के बाद क्या आता है? ख। ख के बाद ग, घ, फिर ङा, फिर च, छ। छ के बाद जा दिया है, झ, झ नहीं दिया है, फिर ऋणा, फिर ट, ठ, ड नहीं दिया है, ढ दिया है। ढ के बाद ना, ऋणा के बाद ता, थ, द, ध, ना, पा, फ, बा, भा और माँ, माँ तक ही दिया है ना, तो इसको आपको कंप्लीट व्यंजनों को करना है, पूर्ण करना है। नीचे दिए अधूरे शब्दों को स्वर या व्यंजन जोड़कर पूरा कीजिए। कुछ शब्द दिए हैं, एक एग्जांपल दिए, जैसे अ स्वर लगाकर अनार बना है। अब ये आधे आधे वर्ड दिए हैं, इनको पूरा करना है। तो दूसरा वर्ड कौन सा है? दूसरे फर्स्ट में छोटा लगाया, बड़े में बड़ा लगाएंगे, तो छोटा के बाद बड़ा। आ ला। दूसरा कौन सा है? माँ ला, माँ ला। तीसरा मटली, तो क्या आएगा इसमें? इमली। फिर नेस, इसके आगे क्या आएगा? गणेश। फिर वाज, क्या होता है? आवाज, स्वर लगाना है इसके नीचे आगे और इसको पूरा करना है। कर, तो इसमें क्या हो जाएगा? आकर। ल गाड़ी, तो इसमें क्या आएगा? रेल गाड़ी। वेरी गुड। द गर, तो क्या हो जाएगा? सौदागर। औ की मात्रा लगी है ना, स्वर और व्यंजन कुछ भी लगाना है और उसको पूरा करना था। सिक्स नंबर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द मतलब एक ही वर्ड, एक ही शब्द में उत्तर देना है, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। क और श के मिल से क्या बनता है? बताया था ना संयुक्त अक्षर में, हाँ, का और शा को मिला के बनता है छ। सातवां नंबर में क्या है? संयुक्त अक्षर से, संयुक्त अक्षर से शब्द बनाइए। इसमें संयुक्त अक्षर दिए हैं, ज और ना मिलाकर ज्ञा बनता है, त और रा बनाकर त्र, श और रा बनाकर श, क और शा मिलाकर छ बनता है। तो ये एक एक वर्ड इन संयुक्त व्यंजन को
प्रयोग करना है और एक एक शब्द बनाना है। जैसे ज्ञा से हम क्या बना सकते हैं, ज्ञानी। श्रा से क्या बना सकते हैं, श्रमिक। त्रा से क्या बना सकते हैं, त्रिशूल। छा से क्या बना सकते हैं, क्षत्रिय। फिर आठवां नंबर, नीचे कुछ दिए चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानकर खाली स्थानों पर सही व्यंजन लिखिए। आपको चित्र देखना है, पिक्चर्स देखनी है और उसको पहचानकर वर्ड को शब्द को कंप्लीट करना है, उनके नाम पूरे करने हैं। तो पहला क्या है, ये कबूतर बनाए ना, तो का लिखा है ता और रा, बा इसमें मिसिंग है तो बू, कबूतर। फिर पौधा, तो इसमें क्या मिसिंग है, पा। हिरण, इसमें क्या मिसिंग है, हा, हिरण। फिर क्या बनाए, कुटिया, तो कु और टी, टा नहीं है ना, कुटिया। फिर ये क्या है, कछुआ, का है और आ है, क्या नहीं है, कछुआ। फिर मछली, माँ भरना है, खरगोश। फिर गा, फिर घन, टा, फिर टा लगाना है। ये आपके हो गए ना स्वर और व्यंजन, आपने सीख लिए, ये वर्ड भी कंप्लीट हो गया, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अभी हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट पार्ट को लेकर। अभी आप ध्यान से पढ़िए और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। ये जो बुक का वर्क है, बुक में ही आपको सॉल्व करना है, इसमें खाली खाली स्थान, खाली खाली जगह दिया है ना, इसी में कंप्लीट करना है। और नोटबुक का होमवर्क अभी आपको दिया जाएगा, आप वो